तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के कुल्लू जिले की गडसा घाटी में सुबह 4 बजे के करीब बादल फटने से खूब तबाही मची। से 5 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 15 से ज्यादा घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। बादल फटने के बाद गडसा नाला उफान पर आ गया है, इससे 3 पुल भी नाले में बह गए। बाढ़ के बाद संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, इससे क्षेत्र के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। गडसा घाटी में भी भेड़ फार्म का भी यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो गडसा घाटी में 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, 15 मकानों को आंशिक रूप से यहां पर नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से कुल्लू में बादल फटने की एक खबर, और बादल फटने से लगातार यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 15 मकानों को यहां पर आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है, तो वहीं प्रदेश में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी। तो हमारे साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनविंदर, बादल फटने की खबर है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? ये देखिए, घटना करीब सुबह 4 बजे की बताई जा रही है कि जो कुल्लू के साथ जो गडसा घाटी है वहां पे सुबह बादल फटने के बाद जो यहां बहने वाले जो नाले में वहां पे बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद जो 5 जो रिहायशी मकान है उनमें उनको वो पूरी तरह से उसमें बह गए हैं, और जबकि 15 जो घर है ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि इसमें सरकारी जमीन है उसे भी खासा नुकसान पहुंचा है। जो पुल जो है जो अलग अलग पंचायतों को जोड़ते थे वो इसमें तबाह हो चुके हैं। हालांकि जो मुख्य सड़क है वो भी 4-5 जगह से जो है क्षतिग्रस्त होगी, जिसके बाद जो दर्जन भर जो पंचायतें हैं उनका जो संपर्क है वो अब टूट चुका है। और हालांकि सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन भी वो मौके पर पहुंचा था, और जो अभी बेघर हुए हैं जिनके घर बह चुके हैं उन्हें अभी फिलहाल जो है कहीं रहने की व्यवस्था उनकी की जा रही है। और सरकारी तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल जो है 1-1 लाख रुपए की राशि जिनके घर क्षतिग्रस्त इसमें हुए हैं उन्हें सहायता राशि दी जा रही है, और 5 लाख जिनके 15 जो मकान है जिनके आंशिक रूप से जिनको नुकसान पहुंचा उन्हें दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन की अभी सिर्फ यही कोशिश है कि उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है, जो क्योंकि अभी बेघर हो चुके लोग, अभी उनकी व्यवस्था की जाए। जी मनविंदर, क्या जान माल का भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है? देखिए, किसी तरह का जानी नुकसान फिलहाल इस घटना में नहीं बताया जा रहा। हालांकि इसमें जो जिनके घर में हैं उनका जरूर कहना है कि कुछ जो व्यक्ति जो उनके घर के बाहर जो बंधे हुए थे उनका वो इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन फिलहाल अभी कहीं से भी किसी तरह की जानी नुकसान की भी कोई सूचना नहीं है। जी मनविंदर, जिस तरह से आप पुल की बात कर रहे थे, क्या पुल तिनके की तरह बह गया, ये सवालिय निशान खड़ा होता है प्रशासन पर। क्या नाले के उफान की वजह से इस तरह से पुल गिर जाता है? देखिए, जरूर एक क्योंकि छोटी छोटी जो पुलिया है जो एक दूसरे पंचायत को जोड़ती हैं, क्योंकि ज्यादा इनकी हाइट जो नहीं रहती है जो नदी नालों के ऊपर, तो ऐसे में क्योंकि आज जिस तरह से ऊपरी इलाके में जिस तरह से बादल फटा है उसके बाद जो काफी जो एक बाढ़ की स्थिति जो इस पूरे इलाके में बन गई थी, और जो बहने जिसमें पानी नाले में थोड़ा बहुत पानी जो अमूमन दिनों में देखा जाता है, तो आज भारी जो पानी और मलबा और खासकर जो पेड़ के बड़े बड़े पेड़ के तने जो इसमें बह गया है, जिसकी वजह से जो पुल जो बताए जा रहे हैं वो इसमें जरूर टूटे हैं। हालांकि इसके बाद जो है कुछ जगह सड़कें भी जो मुख्य सड़क है वो 3-4 जगह से टूट चुकी है, तो ऐसे में जो जिला मुख्यालय से जो दर्जन भर पंचायतें हैं उनका जो संपर्क है बाकी जगह से कट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मनविंदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।